Hello everyone, welcome to our channel Sunshine Fortunes Education. I'm Gunjan Malhotra, I'm an overseas education consultant, a career counselor, and I also train students for different types of examinations. Aaj ka hamara jo ye video hai, ye ek important update aapko batayega, particularly UK ke bare mein. जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि 11 सितंबर 2019 को एक अनाउंसमेंट आई थी कि यूके में जो भी स्टूडेंट्स फ्यूचर में पढ़ाई करेंगे उनको 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलने की पॉसिबिलिटी है. रादर आई वुड से पॉसिबिलिटी टर्म इज़ नॉट द राइट वर्ड, वेयर एज अनाउंसमेंट ये थी कि जो बच्चे फ्यूचर में यूके में पढ़ेंगे उनको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा. अब इस चीज़ से लिंक्ड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एंड बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो मैं अभी क्लियर करूँगा. ये डाउट्स जनरली हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे को कॉन्टैक्ट करते हैं हम लोगों से पूछते हैं, तो उनके बेसिस पे मैं जनरली आपको बताऊँगा. देखिए, सबसे पहले आपको ये बताऊँगा मैं कि ये जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा था ये 2012 तक यूके की गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन स्टूडेंट्स एंड अदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि ईयू के बाहर से आते थे उनको दिया जाता था, बट 2012 में ये स्टॉप हो गया था. 2019 में ये अनाउंसमेंट आई है कि जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर कोर्स ज्वाइन करेंगे, विच मीन्स सितंबर 2020, एंड समर ऑफ 2021 में या उसके बाद जो बच्चे पास आउट करेंगे उनको ये पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दिया जाएगा. नाउ अब ध्यान से हम लोग को ये समझना है इसमें कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा एक्चुअली किन बच्चों को मिलेगा और कब जो बच्चे पास आउट कर रहे हैं उनको मिलेगा. अभी तक जो नोटिफिकेशन आई है उसके हिसाब से अगर समर टर्म को देखा जाए तो जो बच्चे मई या उसके बाद मई 2021 या उसके बाद पास आउट कर रहे हैं तो इट इज़ एक्सपेक्टेड, जैसा कि यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मेंशन है, एक्सपेक्टेड टर्म यूज़ किया गया, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट कि इन स्टूडेंट्स को पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा. नाउ जो बच्चे सितंबर 2021 में पास आउट करेंगे फॉर श्योर उनको तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि वो समर के बाद आ रहा है. एंड अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, जो बच्चे जनवरी 2020 का कोर्स ज्वाइन करके जनवरी 2021 में अपना कोर्स फिनिश करते हैं क्या उनको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा? जिन बच्चों ने ऑलरेडी 2019 सितंबर में अपना कोर्स स्टार्ट किया है और जो सितंबर 2020 में पास आउट करेंगे क्या उनको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये जो पॉइंट्स हैं इसमें बहुत से लोग कुछ अजम्पशंस लगा रहे हैं, कुछ र्यूमर्स फैला रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू अभी आपको किसी भी अजम्पशन या र्यूमर पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन पॉइंट्स पे भी गवर्नमेंट जो है अभी थिंक कर रही है एंड बहुत जल्दी इन पॉइंट्स पे भी यूके गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा. अगर आपको कोई भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के बारे में तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही चेक करें और कोई भी जनरल इन्फॉर्मेशन को सही नहीं माने. सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो आपको यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिल रही है उसी को कॉन्क्रीट एंड एग्जैक्ट माने. आई होप हमारी जो वीडियो है और जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो में दी है वो आपको मिसगाइडेड मिसलर्ड होने से बचाएगी. आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को हिट करें, आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें. मे गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी लर्निंग.